नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं एक कंप्यूटर मंगाई थी दिल्ली से, जो दुकान से आ चुका है मेरे घर पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो आप लोग ये देख लिए, एक चाचा है जो कंप्यूटर मेरे घर पे लाए हुए हैं, ये देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये मेरे गाँव में पहला कंप्यूटर है, तो मैं कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना जानती हूँ और मैं अभी सीख भी रही हूँ। और मैं अपना वीडियो खुद से एडिटिंग करना, अपलोड करना चाहती हूँ और किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो हम आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे अभी। तो चलिए अब हम चलते हैं घर पे, और मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। कंप्यूटर मैं लेके घर पे पहुंच चुकी हूँ, तो चाचा जी से मैं पूछ लेती हूँ इनका कितना पैसा हुआ। चाचा जी आपका कितना पैसा हुआ? 50 रुपये। तो मैं चाचा जी को पैसा दे देती हूँ। तो 100 रुपया है चाचा जी, आप रख लीजिए, मैं चाचा जी का पैसा दे दी हूँ। तो अब मैं अपना कंप्यूटर उतार लेती हूँ। तो मैं इसे घर पे ले आ चुकी हूँ, तो इसका अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इसकी प्राइस मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, और मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए ये डेल का कीबोर्ड है, तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो ये डेल का कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा होता है डेल का कीबोर्ड, तो इसलिए मैं ये मंगाई थी। और ये डेल का माउस है, तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो डेल का माउस भी मैं मंगाई हूँ। तो ये देखिए माउस का जो केबल है काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको अभी इसको सारे सेट को करूँगी, उसके बाद दिखाऊंगी। तो मेरा ये एलईडी है डेल का 24 इंची का। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से की गई है, ताकि एलईडी में स्क्रैच ना आए। तो ये डेल का एलईडी है, काफ़ी अच्छा है, अब फुल एलईडी है ये। तो ये मेरा एलईडी ब्लैक कलर का है, आप वाइट भी ले सकते हैं। तो ये एलईडी का केबल है जो इसमें लगता है, ये साथ में पावर केबल दिया है, आप लोगों को इसको भी मैं दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा केबल दिया हुआ है। तो एलईडी का ये स्टैंड है, आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा स्टैंड दिया हुआ है। तो ये इसका एलईडी का स्टैंड है, आप लोगों को ये सेट करके दिखा देती हूँ। और मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे सेट होता है। तो ये देखिए इसे अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका ये लॉक है, और इसे आप जब दबाएंगे और इस तरीके से करेंगे तो निकल जाएगा आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से निकल जा रहा है। तो मैं अब इसे सेट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए स्टैंड का एक स्लॉट दिया हुआ है, तो मैं इसको भी सेट कर देती हूँ। तो सेट करने के बाद एक नट दिया है, इससे हम कस देंगे इसको। आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो आप कंप्यूटर को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, जैसे ऊपर नीचे करना हुआ तो आसान तरीके से ऊपर नीचे भी हो रहा है, काफ़ी अच्छे से इसकी बनावट है। तो आप इसे घुमा भी सकते हैं, तो ये देखिए आसान तरीके से घूम भी जा रहा है, जिधर भी करना चाहेंगे।
तो कंप्यूटर मेरा सेट हो चुका है, तो चलिए मैं आप लोगों को सीपीयू दिखा देती हूँ। तो आप लोगों को मैं सीपीयू को भी अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये रहा सीपीयू, तो ये सीपीयू है हमारा। तो सीपीयू के साथ ये केबल दिया हुआ है। तो सीपीयू में मेरे जो फैन है, 6 फैन इसमें लगे हुए हैं, तो 3 इधर है और अंदर 3 लगे हुए हैं। तो सीपीयू में मैं क्या क्या असेंबल करवाई हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये 1 GB का प्रोसेसर है मेरा और 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, काफ़ी अच्छा है ये भी मेरा। तो इंटेल Core i7 9th generation का सीपीयू कार्ड है मेरा और इससे जो सिस्टम होता है काफ़ी अच्छे से चलता है, तो मैं ये भी लगवा दी थी इसमें। तो ये हार्ड डिस्क है मेरा WD 240 GB और इसका 3 साल जो है वारंटी है। तो ये मेरा 16 GB रैम है DDR4 का। तो हमने साथ में ले लिया है ये CD, कभी हमको ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए हमने ले लिया है, इसमें तो नहीं लगता है ये। तो हमने सारे सामान को आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो चलिए हम आपको अब सेट करके दिखाते हैं। तो फाइनली हम इसको सेट कर चुके हैं, तो चलिए हम इसको पावर दे देते हैं और आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। तो दोस्तों मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं कितने का सिस्टम ली हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। तो 98,500, लगभग 1 लाख का मिला हुआ है और मैं सारा वीडियो इसी से एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। तो दोस्तों ये खुशी मुझे आप लोगों की वजह से मिली है, तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ और आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाती रहूँ। और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।